आमतौर पे ऐसा होता है कि जो हमारे फेस का कलर होता है और हमारे स्किन का कलर होता है बॉडी का, वो मैच नहीं करता. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सेसिव सन एक्सपोजर से और अपने बॉडी की स्किन को उतना प्यार और अटेंशन नहीं देने की वजह से हमारे बॉडी का स्किन हो जाता है डिसकलर. एंड देर आर सो मेनी वीडियोज ऑल ओवर यूट्यूब कि आप बेसन, टमाटर, प्याज, आलू सब कुछ मिक्स करके लगा लीजिए एंड योर स्किन इज गोइंग टू बी ब्राइट. बट दुनिया का हर DIY एक तरफ और आज का ये रूटीन एक तरफ, बिकॉज मैं आपको दूंगी एक बहुत अफोर्डेबल बॉडी केयर रूटीन जिससे ना कि आपका बॉडी टैन रिमूव होगा, इससे आपका जो स्किन है उसकी डिसकलरेशन भी कम होगी एंड योर स्किन इज गोइंग टू बी ब्राइट एंड ग्लोइंग टू द गॉड्स. हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड. मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट. टुडेज वीडियो इज द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉडी ब्राइटनिंग रूटीन टू मेक श्योर कि आपके बॉडी का स्किन भी आपके चेहरे के साथ मैच करे एंड यू हैव द बेस्ट इवन टोन बॉडी जो ब्राइट ही नहीं स्मूथ भी है. वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे. मैं बनाती हूँ डेली स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज, दे गो अप एवरी सिंगल डे अ फुल लेंथ वीडियो. एंड स्किन केयर सिंप्लीफाइड इज द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स, यानी सिर्फ प्रोडक्ट्स के रिव्यू ही नहीं, कैसे लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने, एंटी एजिंग, हेयर केयर, मेकअप, सबकी हैं डेडिकेटेड प्लेलिस्ट विच यू कैन चेक आउट. और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका स्किन केयर रिव्यू करूं, आपका रूटीन रिव्यू करूं, आपको रेकमेंडेशंस दूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल मेंबरशिप्स फॉर 799 रुपीज अ मंथ और $10 अ मंथ, जहां होते हैं महीने में 4 लाइव्स जहां मैं अपने मेंबर्स से बात करती हूं, उनके रूटीन्स रिव्यू करती हूं और उनके कस्टमाइज रूटीन्स मेंबरशिप पोर्टल पे भी डालती हूं. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. If you guys saw some of my Indian product recommendations a few months ago, 2-3 months ago, then एक आधा प्रोडक्ट आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा. बट टुडे आई एम गोना गिव यू द फुल रूटीन. सो बॉडी ब्राइटनिंग के लिए मेरा जो बहुत यू नो डिफिकल्ट एक पार्ट है बॉडी का, वो है मेरा ये हाथ, क्योंकि somehow because of where I sit, the sun exposure that I get in the car and etc., ये एक हाथ बहुत बुरी तरह से टैन होता है and I am super regular with my sunscreen. सनस्क्रीन लगाना गारंटी नहीं है कि आपका बॉडी का जो हिस्सा एक्सपोज्ड है टैन नहीं होगा, तो मुझे काफ़ी टैनिंग कॉन्स्टेंटली होती रहती है. आई लिव इन अ सिटी लाइक दुबई वेयर द सन इज आउट, टेम्परेचर्स क्लोजिंग इन टू 50 degrees, सो इट्स वेरी वेरी हॉट. एंड अ प्रोडक्ट दैट हैज़ चेंज्ड एंड मेड माई स्किन सो ब्यूटिफुल इज द 1% कोजिक एसिड बॉडी लोशन बाय डर्माको. ये मेरी सेकेंड बॉटल है एंड आई हैव वन एज अ बैकअप. इसमें है 1% कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटीन एंड विटामिन सी. 100% वे बेटर देन द वैसलीन ग्लूटाहायो नॉनसेंस दैट हैज बीन ऑल ओवर सोशल मीडिया फॉर मंथ्स. मैंने वो भी ट्राई किया था एंड इट डजंट वर्क. दोनों ही वर्जन्स डोंट वर्क, बट दिस वन इज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. इसे मैं रोज यूज करती हूँ, सो आई यूज दिस मॉर्निंग एंड इवनिंग. एंड सुबह के टाइम इसको लगाने के बाद मैं लगाती हूँ अपना सनस्क्रीन जो है बॉडी सनस्क्रीन निविया का, और कभी कभी अगर मेरे पास दूसरे वाले एक्स्ट्रा सनस्क्रीन होते हैं तो मैं वो भी लगा लेती हूँ. बट इन जनरल आई यूज दिस एंड इसकी कीमत इज 399 रुपीज ऑन फुल प्राइस एंड नायका पे हमेशा सेल्स होती हैं. सो दिस इज अ प्रोडक्ट आई हाईली रेकमेंड. इसे आपको रोज यूज करना है, सुबह शाम यूज करना है, कॉन्स्टेंटली यूज करना है. एंड दैट्स माई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन नंबर वन. दिन में आप इसके साथ लगाएंगे सनस्क्रीन. प्रोडक्ट नंबर टू जो मैं लगाती हूँ इसके ऊपर रात को, जो द प्रोडक्ट जो मैं लगाती हूँ मैं आपको एक सेकेंड में बताऊंगी, बट अगर आप इंडिया में रहते हैं देन यू हैव अ जैकपॉट. फार्मेसी में आपको मिलती है लैक्सॉफ्ट क्रीम, 12% लैक्टिक एसिड लोशन फॉर जस्ट 200 रुपीज. ये है 12% लैक्टिक लोशन. लैक्टिक एसिड एज यू नो आपके चेहरे, आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है और ब्राइटन करता है. तो मैं रात को हफ्ते में 3-4 बार इसके ऊपर लगाती हूँ एक लैक्टिक एसिड लोशन. अब क्योंकि मेरे पास ये फार्मेसी ब्रांड का एक्सेस नहीं है, मैं यूज़ करती हूँ ये विशकेयर का AHA BHA लोशन. इसमें है 10% AHA और 1% सैलिसिलिक एसिड प्लस नायासिनमाइड, ग्रेपफ्रूट एंड ब्लूबेरीज. एंड इनको साथ में लगाने से इरिटेशन नहीं होती बॉडी पे, पर इनको मैं साथ में लगाती हूँ रात को हफ्ते में 2-3 बार, कभी कभी 4 बार भी. अदरवाइज दिस इज लाइक समथिंग आई यूज ऑन अ डेली बेसिस. एंड अगर आपको ये यूज़ नहीं करना, यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ यूजिंग
lactic acid lotion by Dr. Sheth, which I have reviewed last year over and over again. Fabulous, Sugandha, there are so many other Indian brands. Just mein aapko 10% lactic lotion mil jata hai. So that is something you can use 100%. But this combination is life-changing. It is beautiful. And ye ek product hai jisse aapki body smoothen out bhi hoti hai. Understand ke jo kojic acid hai, ye ek brightening ingredient hai. Iske andar arbutin hai, wo bhi brightening ingredient hai. Wo topically kaam karta hai. आपके अगर स्किन को स्मूदन आउट करना है, अगर आपके यू नो बम्प्स हैं, टेक्सचर है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, यू नीड एन एक्सफोलिएंट एंड लैक्टिक एसिड इज अ ग्रेट ऑप्शन. नाउ फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग मी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स और वाचिंग मी फ्रॉम द यूके, लेट मी गिव यू योर ऑल्टरनेटिव्स. सो योर ऑल्टरनेटिव फॉर अ ब्राइटनिंग लोशन इज गोइंग टू बी बाय द ब्रांड गुड मॉलिक्यूल्स. गुड मॉलिक्यूल्स का बॉडी ब्राइटनिंग लोशन इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज एएम एंड पीएम. एंड हफ्ते में एक से दो बार रात को आप यूज करेंगे न्यूट्यूरियम का 10% ग्लाइकोलिक एसिड लोशन. दैट इज एन एक्सफोलिएंट. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैक्टिक एसिड आप यूज कर रहे हैं ग्लाइकोलिक एसिड. यू कैन ऑल्सो यूज एएम लैक्टिन व्हिच इज अ 12% लैक्टिक एसिड लोशन, और यू कैन यूज द वन फ्रॉम न्यूट्यूरियम. न्यूट्यूरियम के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज करे हैं, आई एब्सोल्युटली लव द फॉर्मूला. आई लव द वे द इंग्रेडिएंट्स आर selected and combined into a formula. I think it's, you can just tell that Susan has spent a lot of time, effort, and all of her skincare knowledge in sort of putting that line together. I absolutely love it. So if you can get the 10% glycolic acid body lotion from Naturium, that is something I highly, highly recommend. Ye hai ek base routine. Kojic acid sunscreen din mein, aur raat ko kojic acid and lactic acid. But there is one more product which is unfortunately not under 500, but ye product hai bahut effective aur ise maine use karne mein bahut der laga di. Ye hai deconstruct ka body brightening serum jisme hai 3% niacinamide, mandelic acid and cysteine complex. Very, very brightening, but it stinks. Oh my god, this has such a terrible smell because ye product fragrance free hai, and when things are absolutely fragrance free, sometimes they have a terrible stench to it. So this product is pretty terrible in the fragrance, but it is so good. And initially main ise regularly use hi nahi kar payi because I had actually kept it in a different place, like where I get ready in my dressing area, and main hamesha bhool jati thi. I used to already apply the lotion, so fir maine isko apne shower area mein rakhna shuru kiya. And this is what I do. And if you can stretch it, because this product I believe is for $699 or $799, if you can stretch the budget a little, do this. Use this in the morning, shower karte hi. So once you've showered, before you apply any lotion, use this. Uske baad use this and your sunscreen. Raat ko use this and then use your lactic acid lotion. This is going to be truly, truly transformative. प्रोडक्ट्स को जब आप एक सही ऑर्डर में लगाते हो, प्रोडक्ट्स को जब आप सही तरीके से लेयर करते हो और कंसिस्टेंटली यूज करते हो, दैट इज व्हेन यू गेट रियल रिजल्ट्स. एंड दैट इज व्हाई आई हैव अ जेन्युइन इशू विद DIYs. नंबर वन, DIYs सस्ते नहीं होते. क्यों नहीं होते DIYs सस्ते, उस पर मैं पूरी एक वीडियो बना चुकी हूँ. क्योंकि जब तक आप वो सारा बेसन, ऑरेंज पील, ये सारी चीजें खरीद के लगाते हो, उसकी कीमत इस लोशन से काफी ज्यादा हो जाती है. सो DIYs आर नॉट चीप, दैट्स नंबर वन. नंबर टू, यू कैन डू DIYs कंसिस्टेंटली. अगर आपके पास दुनिया में सारा टाइम भी है, इफ यू हैव लिटरली नो अदर जॉब इन द वर्ल्ड, तो भी इमेजिन रोज सुबह घोलना, फिर लगाना, फिर उसको ऐसे सुखाना, वेटिंग, दैट्स लाइक क्रेजी. नोबडी इज गॉट द टाइम. वी हैव सो मच मोर टू डू इन आवर लाइफ एज वुमेन. सो DIYs के साथ आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते. एंड नंबर थ्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो चीज़ टॉपिकली लगाई जाती है आपके स्किन में पेनेट्रेट नहीं कर सकती. तो आपको जो दिखता है दैट इंस्टेंट शाइन इज जस्ट एक्सफोलिएशन, इज जस्ट टेम्पररी ब्राइटनिंग. तो अगर आपको चाहिए जेन्युइन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स, गेट ऑन टू दिस रूटीन. दिस इज द अफोर्डेबल वर्जन, ठीक है, इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं. दिस इज अ स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव. If you can stretch the budget, I will highly, highly recommend that you use this product, which is the Deconstruct Body Brightening Serum, Kojic Acid Lotion, and the, your sunscreen in the morning, and you use these two at night. This is going to change the way your skin looks. In addition to that, aapko ek cheez aur karni hai 100%. जितने भी ये पीलिंग सॉल्यूशंस आते हैं ना, 15% AHA, 1% BHA, या 30% AHA, 2% BHA, चेहरे के लिए बहुत हार्श होते हैं. इवन दो दे हैव सम फैबुलस रिजल्ट्स एंड चेहरा बहुत ब्राइट हो जाता है, व्हाट आई हाईली रेकमेंड, एंड ये मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, महीने में दो बार भी कर सकते हैं, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ अपने पीलिंग सॉल्यूशन को यूज करें अपने बॉडी पे एज अ मास्क.
आप अंदाजा नहीं लगा सकते आपके स्किन पे कितना हसीन उसका इम्पैक्ट होता है. आई कैन नॉट इवन टेल यू. स्पेशली पैरों पे, यू नो समटाइम्स इफ यू वेयर स्ट्रैपी सैंडल्स एंड देन यू आर आउट एंड अबाउट, फिर आप वो स्ट्रैपी सैंडल हटाते हो एंड चेहरे पे, यू नो चेहरे पे नहीं, ऐसे पैर पे ऐसे मार्क्स बन जाते हैं और पैरों के मार्क्स बहुत बुरे लगते हैं. द साइन ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड well kept, well loved woman is that her hands and her feet look exquisite. और अपने हाथों पैरों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि शू बाइट हो जाता है, मार्क रह जाता है, और यू जस्ट लाइक यू नो योर फीट आर ड्राई और दे हैव बीन टैंड. सो द AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, इट्स रियली अप टू यू. बट द मोस्ट अफोर्डेबल वन दैट आई फाउंड प्राइस वाइज, द मोस्ट अफोर्डेबल वन दैट आई फाउंड इज बाय डर्माको. इट इज 15% AHA 1% BHA फॉर ₹499. तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, 100% उसे यूज करें. आई एम टेलिंग यू, यू आर गोना लव द वे योर स्किन लुक्स. बट एक छोटा सा चीज है जो आपको याद रखनी है, और वो ये है कि जब आप अपना AHA BHA पीलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं उसके इमीडिएटली बाद प्लीज ना लैक्टिक ना कोजिक ना कुछ भी मत लगाइएगा. उसके बाद प्लीज एक नॉर्मल बॉडी लोशन या एक नॉर्मल बॉडी क्रीम लगाइएगा, बिकॉज एकदम पीलिंग के बाद अगर हम चेहरे पे भी पीलिंग करते हैं उसके बाद हम एक्टिव्स नहीं लगाते. इवन दो द कॉन्सेंट्रेशन इज लेस इन दीज इंग्रेडिएंट्स इन दीज प्रोडक्ट्स, यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क. सो जब आप पीलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं एज अ बॉडी मास्क, 100% उसके बाद आप अपना जो लोशन है रेगुलर लोशन लगाएंगे, नीविया का या कोई भी बॉडी लोशन, अनसेंटेड प्रेफरेबली, यूज दैट एंड इट विल चेंज योर लाइफ. नाउ आई नो यू गाइज, यू मस्ट बी थिंकिंग कि निपुण अगर हम इस पूरे रूटीन की बात करें, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फिश केयर बॉडी लोशन, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ पीलिंग सॉल्यूशन, सब कुछ मिलाएं मे बी द कॉस्ट विल कम टू 2,000 rupees विच इज एक्सपेंसिव. बट गाइज रिमेंबर, ये 2,000 rupees आपको 3-4 महीने लास्ट करेंगे, राइट? सो इट इज द लॉन्जिटिविटी. आपको हमेशा ये देखना होता है कि अगर आप कोई DIY करते हो या कोई रूटीन फॉलो करते हो, आप उसे कितने लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हो. अगर हर रोज़ आप बेसन निकालोगे, एंड मैंने Amazon India पे बेसन की प्राइस भी चेक करी थी, आई थिंक इट्स लाइक 200 rupees अ किलो, राइट? सो अगर आप हर रोज़ इतना सारा बेसन भी यूज़ करोगे, उसके साथ ऑरेंज पील पाउडर, ऑलिव ऑयल, मैंने देखे हैं काफ़ी सारे DIYs, ओके, इट विल एंड अप बीइंग रियली एक्सपेंसिव. इफ यू कैन अफोर्ड pure virgin extra virgin olive oil, and if you can afford apple cider vinegar, jo bhi bahut use hota hai in DIYs mein, 100% ye cheeze kafi affordable hoti hain. You know, this is like a marketing trick. Jab hum aapko bolte hain ki nahi ye ek cheez itni sasti hai, but by the time you start doing it you'll realize it's not that cheap, it's actually quite expensive, and these products have science behind them. Science doesn't lie, science doesn't fail you. If you enjoyed this video, do consider liking the video and subscribing to the channel. Main aapse milungi kal with another video. Till then, take great care of yourself. Bye.